बड़ी उम्र में प्रोस्टेट बढ़ना एक सामान्य सी बात हो गई है। जैसे ही व्यक्ति की उम्र 40, 45, 50, 60 के आसपास पहुंचती है तो मैक्सिमम लोगों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है। नॉर्मल वेट इसका 20 ग्राम होता है तो फिर ये 30, 40, 50, 60 ग्राम, किसी का तो 100-100 ग्राम तक पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट कैंसर तक की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं तो फिर दोबारा से बढ़ जाता है। इसका स्थायी समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान है कपालभाति प्राणायाम। जिनका भी प्रोस्टेट 40, 50, 60 ग्राम तक का हो गया था, 100 ग्राम तक का हो गया था, उनको भी नियमित रूप से हमने कपालभाति करवाया और जो है हथेली की बीच में यहां से इस पॉइंट को दबाया और हमने पाया कपालभाति प्राणायाम करने से थोड़ा सा एक्यूप्रेशर करने से प्रोस्टेट 100% कंट्रोल में आ जाता है, नहीं तो प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो व्यक्ति को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। दिन में भी बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, एक बार में पूरा पेशाब नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके पेशाब होता रहता है। और जिनकी 50-60 साल की उम्र है ऐसे बुजुर्गों को फिर रात को भी बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है और बहुत तकलीफ होती है और पेशाब पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में फिर उनको चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि गुगुल का भी हम प्रयोग करवा देते हैं। जो चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि गुगुल ये भी जबरदस्त लाभ करते हैं प्रोस्टेट के रोग में। विषत इंदुकवटी जिनको बार बार पेशाब आता है उसके लिए बहुत अधिक लाभ करती है, तो ये भी एक एक गोली खिलाई जा सकती है। एक खास बात प्रोस्टेट के रोगियों के लिए, लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी के और लगभग 5 काली मिर्च, ये मिला करके जब पिलाते हैं तो ये अद्भुत लाभ करता है और मैंने तो देखा इससे प्रोस्टेट कैंसर तक भी लोगों का अच्छा हो जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम करना ना भूलें, नहीं तो आपको भी बड़ी उम्र में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगती है, वैसे वैसे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, आस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, नसनाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन यदि आप भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आदि प्राणायाम करते रहते हैं तो आप 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। Thank you.